नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब टेंशन बढ़ी है या टेंशन खत्म हुई है पता नहीं, लेकिन दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक तो यह है कि शिखर धवन जो पहली पारी में शून्य पर आउट हुए थे, दूसरी पारी में भी खाता नहीं खोल पाए, यानी कि पेयर उनका दोनों पारियों में शून्य पर, सलामी बल्लेबाज। दूसरी दिक्कत यह है कि उमेश को चार विकेट मिले, ईशान शर्मा को तीन विकेट मिले, लेकिन स्पिनर्स के नाम कोई विकेट नहीं आया, मोहम्मद शमी को कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि अश्विन ने आज गेंदबाजी की, उनके हाथ में चोट लगी थी कल। अश्विन, जडेजा और कुलदीप ज्यादा बॉलिंग नहीं की इनसे, वो एक्सपोज नहीं किया भारत ने, लेकिन विकेट भी हाथ नहीं लगी। तो अब सवाल यही है कि भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल और शिखर धवन ओपन करने आए थे, चेतेश्वर पुजारा तीन नंबर पर फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं। दरअसल भारत ने 395 रन बनाए थे और 359 आठ विकेट के नुकसान पर एसएक्स ने अपनी पारी घोषणा कर दी, 36 रन की लीड। दूसरी पारी में भारत बैटिंग करने आया है, 11 रन एक विकेट गिर चुका है, लेकिन सवाल यही है कि अब होगा तो क्या होगा, क्या टेंशन खत्म हुई आपकी या बड़ी है? इस मैच में तो भारत की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी पैची रही है, क्योंकि जैसी होनी चाहिए थी, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसी नहीं रही, क्योंकि शिखर धवन का फॉर्म में ना आना वो थोड़ी चिंता वाली बात है। पर ये है कि फॉर्म कभी भी आ सकती है, पर यू नो जब आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, अगर आपके रन नहीं बने तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते ही हैं, आपके मन में तो रहता ही है, ये एक तो बात ये है। बाकी देखिए, पेस बॉलर्स की मैं अगर बात करूँ तो उनको आउट करना चाहिए था सच्ची टीम को, क्योंकि देखिए ये काउंटी की टीम्स को आगे हमारे स्पिनर को भी विकेट मिलने चाहिए थे, क्योंकि एनी टेस्ट मैच अगर आप जा रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस अगर आपकी होती है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई। सही बात है, 94 ओवर भारत ने गेंदबाजी की है, 94 ओवर में एसएक्स जैसी टीम ऑल आउट नहीं हुई, तो अब यही है कि गुत्थी जो है वो सुलझ रही है या फिर उलझ रही है। अपने ही बढ़ा रहे हैं विराट का सिरदर्द, बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी बढ़ा सिरदर्द। प्रैक्टिस मैच में एसएक्स के बल्लेबाज जितने मजे से रन बना रहे हैं उतना ही सिरदर्द विराट का बढ़ा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिरकी के फंदे अभी कितने टाइट हैं कप्तान को पता नहीं, मोहम्मद शमी मानसिक तौर पर कितने मैच फिट हैं कप्तान को पता नहीं, वो भी ऐसे हालात में जब भुवनेश्वर और बुमराह पहले टेस्ट से पहले ही हो चुके हैं बाहर। कहने को उमेश और ईशांत के हाथ प्रैक्टिस मैच में दूसरे दिन दो दो विकेट जरूर लगे, लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा खाली हाथ ही रहे, जबकि अश्विन की फिटनेस सवालों के घेरे में ही घिरी रही। शिखर धवन खाता नहीं खुला, चेतेश्वर पुजारा एक रन, अजिंक्य रहाणे 17 रन, प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की यह है तीन कमजोर कड़ियां जो फिर से खुलकर सामने आ गई। एसएक्स के खिलाफ वार्म अप मैच में पिच पर थोड़ी सी घास क्या मिली, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले तीन अहम बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद मिडिल ऑर्डर ने मोर्चा संभाला, पहले मुरली विजय और विराट कोहली ने हालात को संभाला, दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया दिनेश कार्तिक ने। कार्तिक ने न सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि लंबे वक्त तक क्रीज पर भी टिके रहे। कार्तिक को पहले केएल राहुल का भरपूर साथ मिला, ऐसे में विराट के पास फिर वही कई पुराने सवाल सामने हैं। क्या विराट प्रैक्टिस मैच के प्रदर्शन के आधार पर प्लेइंग 11 बनाएंगे? क्या केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? और अगर राहुल खेलेंगे तो किस पर गिरेगी गाज? क्या पहले टेस्ट में पुजारा खेलेंगे? क्या 6 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ खेलेगी टीम इंडिया? या फिर हार्दिक पांड्या को मिलेगा मौका? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार बढ़ा रहे हैं विराट का सिरदर्द। आज तक ब्यूरो।
अच्छा, टीम जो है वो आज इस अभ्यास मैच को खत्म करेगी, कल बर्मिंघम जाएगी, कल जाएगी और परसों से प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि टीम चाहती थी एक कम से कम गर्मी का सामना किया जाए, दूसरा ये कि बर्मिंघम एक दिन ज्यादा अभ्यास किया जाए, जो कि शायद फायदेमंद भी है। मेरा ये मानना है कि आप जिस मैदान पर मैच खेल रहे हैं उस वेन्यू में जल्दी चले जाएं। लेकिन सवाल ये है मदन जी कि ये जो तीन दिन का खेल हुआ है, ये आपको कुछ देकर गया है या आपसे लेकर ही गया है? नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें तो देखिए मैच चार दिन का होना चाहिए था, क्योंकि आपको फिर मौका मिलता आपके बॉलर्स को एक और स्पेल करने का और बैट्समैनों को बैटिंग करने का मौका मिलता। मैं देख रहा था कि मोहम्मद शमी ने कल बता रहे बड़े पैचेस में गेंदबाजी की और लाजमी भी है, लाजमी वो मैच खेल कर नहीं गए। हाँ बिल्कुल, दूसरा स्पेल उन्होंने जरूर अच्छा डाला, रिवर्स स्विंग हो रही थी, फिर ये भी पढ़ा कि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी बड़ी साधारण थी। और देखिए हार्दिक पांड्या की गेम बॉलिंग जो है काफी साधारण रही है, क्योंकि पिछले मैचेस में भी हमने देखा है। पर आप जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा बेहतर रहती, क्योंकि टेस्ट मैच के लिए अभी भी आपके पास दो तीन दिन बाकी बचे हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस दो दिन भी कर सकते थे। पर यह है कि मैच का स्पेल जो होता है वो डिफरेंट सा स्पेल होता है, जिसमें आपको आइडिया मिलता है, विकेट्स मिलते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। पर इस मैच में मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो एक दो खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी किसी का कोई ज्यादा इतना फायदा नहीं हुआ। दूसरी पारी में केएल राहुल से ओपन कराया गया। हाँ, ये क्या संकेत देता है? क्या केएल राहुल 11 खेल रहे हैं पहले टेस्ट मैच में? नहीं देखिए, हो सकता है कि जैसे शिखर धवन की फॉर्म चल रही है वैसे उसको देखते हुए शायद टीम मैनेजमेंट ये सोचे कि लेट्स, ऐसा नहीं है कि शिखर धवन कोई खराब बल्लेबाज बन गए। कई बार होता है कि फॉर्म वाले बल्लेबाजों को खिलाना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पर केएल राहुल को मैंने देखा है लास्ट मैच में भी, देखे कैसे आउट हुए हैं, ऐसे इसको विकेट नहीं थ्रो करने चाहिए जैसे ऑफ स्पिनर को आउट हो कराए। ये अच्छा खेल रहे हो, आपको कंसोलिडेट करना चाहिए, अपनी पारी को 100 करना चाहिए, अपने चांसेस बनाने चाहिए। 50 और 60 से रन चांसेस नहीं बनने वाले आपके, पर ये है कि आज ये कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मैं मिला इनको अभी शायद केएल राहुल मदन जी की बात अगर सुन रहे हो, यहाँ पर है दूसरी पारी में मौका है, पहली पारी में उन्होंने 50,000 रन बनाए हैं, फिलहाल वो 10 रन पर पुजारा खेल रहे हैं। अच्छा, राहुल ने खाता नहीं खोला है, लेकिन एक एक राहत की बात कहें, या फिर कहते हैं ना कि हर टीम में एक एक्सपेक्टर होता है, एक बड़ा चैंपियन होता है, वो जिस तरफ जाता है टीम उसके साथ साथ चलती है। इस टीम के पाइट पाइपर तो विराट कोहली हैं ही, और अच्छी बात यह है कि इस मैच में जो एक पारी में उन्होंने बैटिंग की है वो कॉन्फिडेंस के साथ की है और पूरी लय में दिखे। एक तस्वीर ये और एक ये, इस सिकंदर को इसका शिद्दत से इंतजार था। ये दर्द था सफेद कपड़ों में स्याह आंकड़ों का, रिकॉर्ड्स का, प्रदर्शन का, ये सब कुछ विराट के लिए दर्द का दूसरा नाम था। जब नाम विराट हो और आंकड़े ऐसे सूक्ष्म तो दिल दुखता ही है। दिल तब और दुखता है जब इन आंकड़ों को बार बार लगातार याद दिलाया जाता है। माना कि रंगीन कपड़ों की क्रिकेट में, यानी लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में, न ऐसी सूरत है न ऐसी नौबत आने दी है भारत के इस कप्तान ने। मगर टेस्ट की हकीकत यही है कि पिछले दौरे पर विराट का बेड़ा गर्क कर दिया था स्विंग गेंदबाजों ने। वो एक ही तरह से आउट होते थे, स्लिप में या विकेट के पीछे। इसी सूरत को बदलने के लिए वो इस बार काउंटी क्रिकेट तक जाने को तैयार थे, वो हो न सका। ऐसे में सख्त जरूरत थी उन्हें लाल गेंद पर कमाल करने की। ससेक्स के खिलाफ इन रनों ने कुछ और किया हो या ना हो, संशय दूर किया है, संकट खत्म किया है। आज तक ब्यूरो। ग्लेन मैकग्रा कहते हैं कि जिमी एंडरसन है इस सीरीज के डिसाइडिंग फैक्टर। अगर जिमी एंडरसन को स्विंग मिल गई, जिमी एंडरसन ने बल्लेबाजों को आउट कर दिया, तो इंग्लैंड जीत जाएगा। मेरा ये मानना है कि जिमी एंडरसन ही नहीं, विराट कोहली भी, क्योंकि जिमी एंडरसन और विराट कोहली के बीच क्या होगा वो तय करेगा ना इस सीरीज में क्या होगा। सिर्फ जिमी एंडरसन अकेले कैसे कर लेंगे तय? नहीं, ये तो नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि बाकी एज ए टीम अगर आप परफॉर्म करते हैं तभी जीते हैं। पर विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर नजरें ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसे वनडे क्रिकेट में उन्होंने बैटिंग की, बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, जब भी आए बैटिंग करने में बड़े अच्छे निक पे लगे हैं। और उसका ये, उसके पास एक चैलेंज भी है कि मैंने रन बनाने हैं टेस्ट मैचेस में, ये एक चैलेंज है। अच्छे बॉलर जिमी एंडरसन हुआ या
ब्रॉड हुआ है या क्रिस वॉक हुआ है, तो उनके अगेंस्ट रन बनाना भी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये रन बनाता है तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जो पारी है वो भी स्टेबल होती है, मतलब मेरा कहने का मैं जीतने की तरफ जाती है। दूसरी बात ये होती है कि वो कुदरत क्या कर रही है भैया, वहां पर इतनी गर्मी है, वहां के रहने वाले लोगों के लिए तो हाहाकार है, 50 साल में इतनी गर्मी नहीं हुई, लेकिन जो भारत की टीम गई है उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर गर्मी है और गर्मी रहेगी तो आप जानते हैं कि कंडीशंस फिर वो इंग्लिश नहीं रहती, वो भारत के खिलाड़ियों को सूट भी करती है, इस लिहाज से इससे बेहतर मौका क्या होगा, क्योंकि बर्मिंघम टेस्ट मैच ये तो नहीं तय करेगा कि सीरीज किस तरफ जा रही है, लेकिन ये तय जरूर कर सकता है कि विराट कोहली का बल्ला बोलेगा या फिर जिमी एंडरसन की वो स्विंग गेंदबाजी।